कॉस्को 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 क्या है ये कॉस्को? आए मिलके एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो कॉस्को। अरे भाई कितना रश हो रहा है, रश चेक करें। हम पार्किंग की जगह भी नहीं है, लेकिन हमें खुशकिस्मती से यहाँ पे करीब में ही पार्किंग मिल गई है। लग तो अच्छी रहा है कि जैसे फ्री में सामान मिल रहा है। लोग देखें ट्रॉलियां भर भर के सामान लेके आ रहे हैं। चलें फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉस्को आकर है क्या। सो लेट्स गो। शुरू में आते के साथ की जैकेट्स पे नज़र पड़ी है मेरी, प्राइस वगैरह भी चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा फेवरेट जो सेक्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई ये है यहाँ का टीवी सेक्शन, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आके आपका दिल चाहता है कि सारे टीवी बाय कर लो, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी होती है टीवी की और प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो जो लोग मतलब टीवी के फीचर्स की वजह से टीवी बाय करना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ, और जो है वो टॉप क्वालिटी के टीवी यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोनी हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, और यहाँ पे हर बड़ी जो ब्रांड है उसके टीवी यहाँ पे मौजूद है। और ये आ गया यहाँ पे आईफोन का सेक्शन, क्योंकि प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है अभी, लेकिन ये ऑब्वियसली नए मॉडल हैं, आईफोन 15 जो है, हाँ 15 ही है ये। और ये एप्पल वॉच अल्ट्रा है, आईपैड्स वगैरह भी हैं इस पे, iPad Pro 11 पे जो है वो $50 ऑफ लगा हुआ है, और डेट भी लिखी हुई है कब तक वैलिड है ये। Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air सब यहाँ पे अवेलेबल है। ये ब्लैंड जेट जो है ये भी सेल पे $20 ऑफ है, अदरवाइज ये रेगुलर प्राइस $69.99। साथ ही में ये जूसर मशीन और ब्लेंडर भी कह सकते हैं आप, इसकी भी प्राइस काफ़ी डिसेंट है। इसमें साथ आपको दो मग भी मिल रहे हैं, इसकी प्राइस भी जो है वो $299 है, $100 ऑफ है। और नेक्स्ट टू इट है रोबोट वैक्यूम क्लीनर, ये देखें आप इसमें 180 का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, काफ़ी डिसेंट प्राइस है आपको। भाई ये है जैकेटों का सेक्शन जो कि मेरा फेवरेट है, अभी देखते हैं कोई अगर पसंद आती है तो मैं ले लूँगा, अगर कुछ अच्छी लगी या पसंद आई। प्राइस भी इसके मुनासिब हैं, ये फलनेल की जो है वो शर्ट्स हैं, $19.99 अच्छे प्राइस हैं इसके, इतनी सस्ती मिलती नहीं है अगर आप किसी दूसरे स्टोर वगैरह पे जाएं। अरे भाई ये चेक करें, ये कितनी सस्ती है, सिर्फ $9.99 की है, और इसके क्वालिटी भी अच्छी है, मोटी भी है यानी कि खाली पतली सी हो, और इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, ब्लू और ये चारकोल, और वो ग्रे कौन सा कलर है, वो ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट कलर है। हाफ स्लीव्स की जैकेट है जो कि $10 की है, प्राइस के हिसाब से अच्छी है, कलर्स भी इसमें डिफरेंट मौजूद है। ये भी $18 की है, मैन वाला लाइन कह रहे थे क्या जाते हैं, लेकिन आपके अंदर से काफ़ी अच्छी है, इसमें जिप भी है और बटन भी है। पैंट्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पैंट जो है वो पहनने के बाद ही पता लगती है कैसी है क्या है। ये पूरी आयल जो है आपके ड्राई फ्रूट्स की आयल है, और इसमें तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और मज़े की बात ये है कि जो लोग डाइट पे हैं और जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी कीटो स्नैक्स हैं यहाँ पे मौजूद। प्राइस चेक कर रहे हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ना वो यहाँ पे क्लाइंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड है।
जो लोग अभी पाकिस्तान या इंडिया जा रहे हैं वो अपने प्यारों के लिए, घर वालों के लिए अच्छी चीज़ ज़रूर लेके जाते हैं और यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, तो रिकमेंड यही है कि आप यहाँ से लें। काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है, कंपनी भी अच्छी है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, और जो है काफ़ी अच्छे प्राइस हैं यहाँ पे। ये है आपकी, मेरी और हम सब की फेवरेट M&M। पूरे बड़े बड़े जार मौजूद हैं यहाँ पे, आलमंड चॉकलेट कोटेड आलमंड्स, वाह। गम के पैकेट्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो बल्क क्वांटिटी में है, तभी थोड़ी चीप प्राइस मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है कि आप एक दफ़ा लें और 3-4 महीने की जो आपकी छुट्टी हो जाती है। और ये यहाँ पे जो है स्नैक्स भी मौजूद हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, अगर आपके यहाँ पार्टी है कोई, एक नॉर्मल साइज़ का स्नैक पैक है, इसके अंदर अमाउंट लिखी होती है कितने हैं, क्वान्टिटी लिखी होती है, सॉरी। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है वो टेस्टर के तौर पर छोटे छोटे इन्होंने सॉल्स लगाए होते हैं, टेस्टर के तौर पर फ्रेश बना के दे रहे होते हैं। फिर टाकीज हैं जो काफ़ी सावर होते हैं, मुझे पसंद है। बहुत खट्टा बने हैं लेकिन हैं बहुत मज़े के, फ्रेश हैं बिल्कुल। बात टॉवल्स और यहाँ पर कर्टन्स वगैरह भी हैं। ओ, मज़े की बात ये पूरा जिम सेट भी जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ डिस्प्ले के लिए, ये भी चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही हैं। हम देखें हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और कितने डिसिप्लिन से रखी हुई है। ये काफ़ी सस्ती है, यहाँ पे 2 मिल रही हैं और $5 जो है इस पर सेविंग भी है। अच्छा, एक जो है वो ये खोलने वाली है इस तरीके से और दूसरी जो है वो ऐसी है, तो इसका एक कॉम्बो का ये थर्मो फ्लास्क वाटर बॉटल का जो कि 16.99 है, काफ़ी अच्छे प्राइस है। ये है फ्रेश प्रोड्यूस का सेक्शन, यहाँ पे अंदर चलते हैं, तो चलें अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे खाली जो है वो बेरीज़ वगैरह मिल रही हैं जो कि अच्छी हैं, मुझे लेनी भी थी, बेरीज चाहिए भी, तो मैं इसको रख लेता हूँ। ये रस बेरी भी अच्छी होती है, मुझे पसंद है, भी ले लिया है। ये यहाँ का डेयरी सेक्शन है, बहुत ठंड है यहाँ पे, 499 के मिल रहे हैं आपको चिकन के ग्रेड ए के, 24 अंडे ग्रेड ए के 499, तो सस्ता है, अच्छा है। बहुत अलग अलग ग्रेड्स के यहाँ पे जो अंडे होते हैं, ये वाले शायद देसी अंडे हैं, 649 के प्राइस हैं इनके। और यहाँ पे मिल्क भी जो है वो डिफरेंट काइंड का है, टाइप की मिल्क भी है, ऑर्गेनिक और विटामिन ए वाला, विटामिन डी वाला, अलग अलग किस्म का। चलो भाई यहाँ से तो चलो, बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, इस साइड में जो है ज़्यादातर डिस्पोजेबल आइटम मौजूद हैं, हर तरीके के आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स मिलेंगी, पेपर प्लेट्स वैरायटी के हिसाब से, हल्की भी हैं, भारी भी हैं, और स्पून, फोर्क, नाइफ, और पार्टी के लिए एक्चुअली, मतलब पार्टी के हिसाब से ये आइल बनी हुई है। यहाँ पे जो है आपको सारा जो है वो स्टफ मिल जाएगा जो कि आप किसी पार्टी वगैरह में यूज़ करते हैं। पानी की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि पानी की यहाँ पे मौजूद हैं। ये हम ये वाला पैक लेंगे जिसके अंदर 40 होती हैं बॉटल्स, और इसके प्राइस हैं 399 के, प्राइस भी साथ साथ दिखा दें। और वो वाला आइस माउंटेन का, उसमें 40 बॉटल नहीं हूँ, 699 का। ये है ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर जिसके अंदर नो शुगर, नो कंसनट्रेट, कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल। ये सब मीट जो है वो हलाल नहीं है, शायद मैंने सुना है कि यहाँ पे हलाल भी मिलता है, मैं भी ढूंढता हूँ कि अगर कहीं से मुझे हलाल मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँ कि हलाल के जो है प्राइस कितना है। तो अभी और भी मीट का सेक्शन आ गया है, मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ, अगर मिल जाए तो
अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड होल हलाल लैम, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, आई थिंक ख़त्म हो गया होगा क्या है, लेकिन कुछ नज़र आ नहीं रहा। इनकी जो है अपनी फार्मेसी भी है और शायद आज बंद है, मेरे ख्याल से संडे को नहीं खुलती। ये है मल्टी वाइटामिन की पूरी आयल। मल्टी वाइटामिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर फार्मेसी CVS या फिर वॉलग्रीन से लेते हैं। ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इनकी बॉटल का साइज़ देखें क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्राइस भी जो है वो इसके अच्छे हैं। कॉस्को की जो मेम्बरशिप है वो दो तरीके की है, एक तो है गोल्ड स्टार की और दूसरी है एग्जीक्यूटिव मेम्बर वाली। तो मेरे पास जो है वो गोल्ड स्टार की है, जिसमें मैं जो हूँ तकरीबन $60 जो है पर ईयर के हैं, और बाकी दूसरी वाली आई थिंक 100 या 120 की है। उसके अंदर रिवॉर्ड्स ज़्यादा हैं, जो मेरे पास है $60 वाली वो बेस्ट है मेरे लिए, सो ऐसे मैंने वही बाई की है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोर करने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं सस्ते प्राइस में, क्वान्टिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर जो है लोग वो अपनी जब शॉपिंग करने आते हैं तो काफ़ी बड़ी लिस्ट उनके पास मौजूद होती है, कि वो जाहिर सी बात है कि मंथ में तो नहीं, खैर क्वार्टरली या जो है ईयरली इस तरीके से शॉपिंग करते हैं और पूरी अपनी लिस्ट बना के लाते हैं कि उन्होंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेरा आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको सिर्फ दिखाऊँ, मेरे पास तो आज ऐसी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ले ली हैं ज़रूरत की। तो आने का मकसद यही था आज कि मैं आपको दिखाऊं कि कॉस्को में किस तरीके से जो है वो शॉपिंग की जाती है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं कॉस्को में। सो प्लीज़ आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी आपको लग रही है वीडियो। तो यहाँ दो तरीके से चेकआउट होता है, सेल्फ चेकआउट भी है और वरना वहाँ पे जो है कैशियर जो है वो आपको लाइन में लग कर चेकआउट करना पड़ता है। तो बेहतर ये हमारे पास कम सामान है, जो बाज़ार सामान होता है वो कैशियर के पास जाते हैं, जो वहाँ पे हेल्पर भी होता है जो उनका सामान जो है वो लोड करा देते हैं, लेकिन हमारे पास जो है खाली कम सामान है तो इस वजह से हम सेल्फ चेकआउट करेंगे। हमारा टोटल हुआ है 77 का और हमें पे करना है, तो हमने अपने कार्ड से पे कर दिया। यहाँ पे कोई बैग्स वगैरह नहीं होते, तो सामान जो है आप उसी कार्ड में लेके जो है अपनी गाड़ी में रखना होता है, तो एक अच्छी बात है एनवायरमेंटल सेफली है के बैग्स नहीं होते। अच्छा जैसे ही आप चेकआउट करेंगे ना तो सामने ही इन्होंने आपको जो है एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे कुछ आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे खाने के लिए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, हॉट डॉग हो गया, आइसक्रीम, फ्राइज, ये सब चीज़ें। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि आप जो है वो इतना बड़ा स्टोर बना रहे हैं, लोग आते हैं यहाँ पे तो और लोग जो है वो चीज़ें बाय करेंगे और फिर जो है उनको भूख लगेगी, थकेंगे, बच्चों के साथ आते हैं तो फिर वो कुछ खाते ज़रूर हैं। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है लोगों को यहाँ पे एक तरीके से अट्रैक्ट करने की, इतना बड़ा स्टोर बनाओ और फिर जब भूख लगे थक जाएं आगे यहाँ बैठो कुछ खाओ पैसे खर्च करो, एक तरीके से जो है वो बस अपना सिस्टम चला रही है। अच्छा यहाँ पे टायर शॉप भी है, तो टायर शॉप जो है यहाँ से आप अपने टायर ट्राई कर सकते हैं। दूसरी सर्विसेज भी होती हैं, थोड़ा मैकेनिकल सर्विसेज मौजूद है। जी जनाब, तो देखा आपने कॉस्को को एक्सप्लोर किया, हम भी पूरा तो नहीं घूम पाए सही तरीके से जो है वो वीडियो पूरी फिर भी सही नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत बड़ा था और पूरा कवर करना जो है मुश्किल हो रहा था। इस वजह से जो है मैं जो हूँ अब इस व्लॉग को ही ख़त्म कर रहा हूँ, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मज़ा आया, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, क्या चीज़ आप और देखना चाहते हैं। और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट ज़रूर करके बताया करें, और अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, जाना पड़ता है जगहों पे, चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।